Hi everyone, I'm Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. Okay, so in this video, I will be telling you what do we mean by the word notwithstanding. Yes, see, जब law school journey में आप सभी ने जब कोई भी section पढ़ा होगा या फिर कोई भी article पढ़ा होगा आपने हमारे Indian Constitution का, तो उसमें आप ये जो वर्ड है notwithstanding, आई एम श्योर आपने ये वर्ड किसी ना किसी सेक्शन में या फिर किसी ना किसी आर्टिकल में ये जरूर पढ़ा होगा. लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं कि notwithstanding का मतलब क्या होता है, तो आपने जनरली बहुतों से यही सुना होगा, अरे notwithstanding means it is a non-obstantive clause. Whenever you ask when you ask someone about what do we mean by the word notwithstanding, so the answer we get is that it means it is a non-obstante clause, this and that. Now the question comes, what exactly is non-obstante clause? Okay, we know ki theek hai, notwithstanding, कोई भी अगर हम सेक्शन पढ़ते हैं तो कुछ सेक्शन ऐसे स्टार्ट होते हैं, notwithstanding anything contained in this section and etc. etc. नाउ अगर हम इसका मतलब पूछें तो इसका मतलब आता है कि ये होता है non-obstante clause. लेकिन अब सवाल ये आता है कि नॉन ऑब्स्टांटे क्लॉज का एक्चुअली में मतलब क्या है. ठीक है, वी नो नॉट विथस्टैंडिंग मीन्स इट दैट सेक्शन और दैट प्रोविजन इज अ नॉन ऑब्स्टांटे क्लॉज, बट व्हाट डू वी मीन बाय दैट. ओके, सो द आंसर इज, सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉट विथस्टैंडिंग इज दैट प्रोविजन विल ओवरराइड एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगी तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लेते हो, जो कि पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अमेंडमेंट की बात करता है, तो जब आप आर्टिकल 368 जो कि जिसमें पावर एंड प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो उसमें आप देखोगे कि वो सेक्शन जो आर्टिकल 368 क्लॉज 1 है, वो भी जो है स्टार्ट कैसे होता है, नॉट विथस्टैंडिंग से. सो जब नॉट विथस्टैंडिंग वहां पर लिखा है, उसका मतलब ये है कि ये जो प्रोविजन है दैट विल ओवरराइड ऑल द अदर प्रोविजन विच आर रिटन इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी उसमें लिखा हुआ है वो प्रोविजन उस सबको ओवरराइड करेगा, विच मीन्स वो बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसके ऊपर किसी भी और प्रोविजंस का जो है रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस अप्लाई नहीं हो जाता है. सो जैसे आर्टिकल 368 में जो है नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड यूज किया है, इसका मतलब कि जो अमेंडिंग पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती हैं. ब्रॉड कैसी होती है, बिकॉज वहां पे किसी भी और जो आर्टिकल्स हैं उसकी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही. So I'm repeating it once again. When we talk about the word notwithstanding means that it will override everything which is written in that act or the constitution. Okay, so I hope this is clear by now. So whenever if someone asks you what do we mean by notwithstanding, so explain everything. Don't just say, oh, it's a non-obstante clause. Okay, so you should know what does it mean. I hope this is clear. Thank you so much. Bye-bye.